हेलो फ्रेंड्स, आपने अक्सर देखा होगा कि मैंने आपको अपनी बहुत सी वीडियोस में बताया है कि आपको अपने चेहरे को सही तरीके से एक्सफोलिएट करने के लिए स्क्रबिंग का प्रयोग करना चाहिए, ताकि आपके चेहरे से सारी गंदगी, डर्ट और इम्प्योरिटीज दूर हो सके और आपका चेहरा चमकदार दिखाई दे। लेकिन क्या आप जानते हैं, स्क्रब का निरंतर प्रयोग करना भी आपके स्किन के लिए काफी ज्यादा हानिकारक हो सकता है। मार्केट के अंदर कई ऐसे केमिकल से बने हुए स्क्रब अवेलेबल हैं, जो कि ये दावा करते हैं कि उनका इस्तेमाल करने की वजह से आपकी स्किन और अच्छे तरीके से एक्सफोलिएट हो सकती है और उसी की वजह से आपकी स्किन में ग्लो भी आता है। काफी हद तक ये हो सकता है, लेकिन अगर आपकी स्किन काफी ज्यादा ऑयली या फिर सेंसिटिव है तो आपको केमिकल स्क्रब का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि केमिकल स्क्रब का प्रयोग करने की वजह से वो आपकी स्किन टाइप के साथ मैच करके रिएक्शन कर सकता है। इसीलिए अगर आप स्क्रबिंग करना ही चाहते हैं तो आपको हर्बल चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि कॉफी, ऑलिव ऑयल या फिर इन सारी चीजों के अंदर काफी ज्यादा प्राकृतिक कंटेंट होता है आपके चेहरे पर जमा हुई गंदगी को साफ करने के लिए। आप चाहे तो अपने चेहरे को स्क्रब करने के लिए वॉलनट या फिर अखरोट का सेवन भी कर सकते हैं। अखरोट को मिक्सी के अंदर चलाकर दरदरा सा पीस लीजिए और इसी के अंदर ऑलिव ऑयल मिलाकर स्क्रब तैयार करके अपने चेहरे को स्क्रबिंग करना शुरू करिए। ध्यान रखिए कि आपको रोजाना अपने चेहरे को स्क्रब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी हम रोजाना त्वचा को स्क्रब करते हैं तो उसकी वजह से चेहरे की परत के छिलने का खतरा काफी हद तक बढ़ जाता है। सो दोस्तों, अगर आप स्क्रबिंग कर रहे हैं तो ध्यान से करिए, केमिकल स्क्रब का प्रयोग करने से बचिए और नेचुरल स्क्रब का ही प्रयोग करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।